विभाजन से विवाद तक भारत की दास्तां। अगस्त 1947 में भारत ने स्वतंत्रता दिवस का जश्न तो मनाया ही था, लेकिन उसने कभी खत्म नहीं होने वाली विभाजन की पीड़ा भी झेली थी। सत्ताधीशों की अदूरदर्शिता के चलते वर्तमान में भारत के 48,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा क्षेत्र पर चीन और पाकिस्तान का कब्जा है। तीन जून 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार भारत विभाजन और सत्ता हस्तांतरण की योजना रखी गई, जबकि भारत विभाजन के पूर्व से ही बलूचिस्तान के लोग खुद को एक आजाद मुल्क मानते रहे हैं। 14 अगस्त 1947 को भारत के पंजाब और बंगाल को दो भागों में बांटकर पाकिस्तान का निर्माण हुआ। पंजाब से अलग हुआ हिस्सा पश्चिमी और बंगाल से अलग हुआ क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान कहलाया। पाकिस्तानी सेना ने 24 अक्टूबर 1947 को कबायली लुटेरों के भेष में कश्मीर पर हमला करके गिलगित बाल्टिस्तान सहित कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया। इसके बाद भारत पाक के बीच युद्ध छिड़ गया। पंडित नेहरू के संयुक्त राष्ट्र में जाने के कारण 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम की घोषणा तो हो गई, लेकिन भारत का हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में ही रह गया, जो आज भी पाक अधिकृत कश्मीर के नाम से या पीओके के नाम से जाना जाता है। 1947 में बलूचिस्तान 4 रियासतों का समूह था। 3 ने पाकिस्तान में विलय स्वीकार कर लिया था, लेकिन कलात ने विलय से इनकार करते हुए स्वायत्त सत्ता की घोषणा कर दी थी। अंततः 27 मार्च 1948 को कलात ने सैन्य हस्तक्षेप के बाद पाकिस्तान में विलय स्वीकार कर लिया। स्वाधीन बलूच शासक मीर अहमद यार खान को विलय के समझौते पर दस्तखत करने के लिए मजबूर किया गया। दूसरी ओर 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद चीन ने अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया। जम्मू कश्मीर और अक्साई चीन को अलग करने वाली रेखा को LAC यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। युद्ध के बाद से भारत का लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर भूभाग चीन के कब्जे में है। इसके अतिरिक्त 2 मार्च 1963 को चीन तथा पाकिस्तान सीमा करार के तहत पाकिस्तान ने पीओके का कुछ हिस्सा अवैध रूप से चीन को भी दे दिया। 26 मार्च 1971 को बंगाल के पाकिस्तान में विलय से नाखुश बंगालियों ने आजादी का ऐलान कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान का दमन चक्र शुरू हुआ और हजारों बंगालियों को कत्ल कर दिया गया। लाखों बंगालियों ने भारत में शरण ली। शेख मुजीब के नेतृत्व में मुक्त वाहिनी बनाकर बंगालियों ने पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष छेड़ दिया। पाकिस्तान ने इसे भारत समर्थित युद्ध माना और 3 दिसंबर 1971 को भारत पर आक्रमण कर दिया। भारत ने एक सप्ताह के भीतर ही पाकिस्तान को धूल चटा दी। वह दिन भी आया जब 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी फौजों ने भारतीय सेना के सामने हथियार डाल दिए। 1972 में शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री बने। 1972 के शिमला समझौते में सियाचिन ग्लेशियर को इंसानों के रहने लायक भी नहीं माना गया, लेकिन यह नहीं बताया गया कि भारत और पाकिस्तान की सीमा सियाचिन में कहां पर होगी। 1984 में पाकिस्तान सियाचिन पर कब्जे की तैयारी में था। इसकी भनक लगते ही भारत ने ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया और 13 अप्रैल 1984 को सियाचिन ग्लेशियर पर अपनी सैन्य चौकी स्थापित कर दी। 2003 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम संधि हो गई। इस सब के बाद भी सीमा से जुड़े और भी विवाद हैं। लद्दाख में भी चीन की सेना आए दिन घुसपैठ करती रहती है। लद्दाख की पेंगोंग झील पर चीन की नजर है। इस झील का 45 किलोमीटर का इलाका भारत के क्षेत्र में आता है, जबकि 90 किलोमीटर का इलाका चीन के क्षेत्र में आता है। दोनों देशों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा इसी झील से होकर गुजरती है। चीन इसे अक्साई चीन का हिस्सा बताता है। उत्तराखंड में भी 345 किलोमीटर लंबी सीमा चीन से लगी हुई है। चीनी सेना उत्तराखंड के बाराहोती और पिथौरागढ़ में कई बार घुसपैठ कर चुकी है। सिक्किम के नाथुला पास पर भी चीन विवाद खड़े करता रहता है। भूटान का डोकलाम पठार भारत चीन भूटान के त्रिकोण पर स्थित है। इस इलाके में चीन सड़क बनाकर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता है। 18 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर लंबा चौरस पठारी इलाका भूटान के अधीन है।
चीन भारत और तिब्बत के बीच हुए शिमला समझौते के तहत चीन नेफा को अपना हिस्सा मानता था, लेकिन 1962 की लड़ाई के बाद इसे चीन ने अपने नियंत्रण से मुक्त कर दिया। 1972 में इस प्रांत का नामकरण अरुणाचल प्रदेश किया गया। हालांकि अब अरुणाचल को लेकर भी चीन विवाद खड़े करने की कोशिश करता है। सर क्रीक विवाद दरअसल 60 किलोमीटर लंबी दलदली जमीन का विवाद है, जो भारतीय राज्य गुजरात और पाकिस्तान के राज्य सिंध के बीच स्थित है। इस मामले पर विवाद 1960 के दशक में शुरू हुआ। साल 2005 में सर क्रीक क्षेत्र का एक संयुक्त सर्वेक्षण करके करीब 80 साल पहले कच्छ और सिंध के अधिकारियों द्वारा लगाए हुए सीमा स्तंभों की पहचान करने की कोशिश की गई थी। सर क्रीक दोनों देशों के बीच एक अस्थिर सी सीमा है।